हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आ गए हैं फ्रेंड फिर से न्यू स्टेटस वीडियो लेकर, और फ्रेंड इस वीडियो को भी बनाने वाले हैं काइनमेस्टर ऐप से। अगर आपके मोबाइल में काइनमेस्टर ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा काइनमेस्टर ऐप का। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले काइनमेस्टर ऐप को ओपन करके इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड काइनमेस्टर ऐप ओपन कर दीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ सबको फेल स्क्रीन का ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको कुछ इस तरह से 4 पे कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से 15 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम 15 फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से यहाँ से, और आप भी अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। हम 15 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से हम कुछ इस तरह से, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको आ जाना है कुछ इस तरह से शुरू से, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ कुछ इस तरह से फाइल में आ जाना है। आप अपना फाइल में चले जाइएगा, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से सॉन्ग पे क्लिक कर दीजिएगा, जो भी सॉन्ग को ऐड करना होगा उस सॉन्ग को। और फ्रेंड इस सॉन्ग का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड इसको कुछ इस तरह से जूम कीजिएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जूम करना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सॉन्ग वाला डीजे जहाँ पे बजेगा वहाँ पे आपको आ जाना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड इस फोटो को कुछ इस तरह से ट्रिम टू राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कट कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाना है, और इस सॉन्ग को भी उतना ही पर लेकर इसको भी कट कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से भी, और फ्रेंड यहाँ पे लास्ट वाला फोटो बचा हुआ है यहाँ पे भी एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से, इस पर क्लिक करके और यहाँ से ट्रिम टू राइट करके ओके कर दीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड इस फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके इसको कट कर दीजिएगा, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे शुरू से आ जाना है, और यहाँ फर्स्ट वाले फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ आपको कुछ इस तरह से इस ऑप्शन को डाउनलोड कर लेना फ्रेंड। यहाँ पे स्वीट लाइन वाला ऑप्शन को डाउनलोड कर लेना फ्रेंड। इसको डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, बीटी स्नैक ऐप पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पे काइनमास्टर का लोगो देखेगा उस पर क्लिक करके आप इसमें भेज सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप उस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा, और बीटी स्नैक ऐप का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रेंड। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ पे 10 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसमें सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे फिर से दूसरे नंबर फोटो पे क्लिक करके और क्लिप ग्राफिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके, और इसमें आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है, और इसमें आपको 4 नंबर ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। तो फ्रेंड हम सारे फ़ोटो में ऐड कर देते हैं क्लिप, और फ्रेंड 2 फोटो बच गया है उसमें भी हम कुछ इस तरह से क्लिप ग्राफिक्स ऑप्शन ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से इस इफेक्ट को, और इसमें 2 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड लास्ट वाला फोटो पे क्लिक करना है, और क्लिप ग्राफिक्स का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से इसमें 1 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे शुरू से आ जाना है, और उसके बाद फ्रेंड कुछ इस तरह से देख सकते हैं फोटो यहाँ बड़ा है और छोटा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको बड़ा वाला फ़ोटो पे क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से नीचे, और यहाँ आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाना है, इस पे क्लिक करना है आपको लाइन वाइप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसमें आपको फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड इस फोटो पे क्लिक करना है, और इसका डिग्रेशन कुछ इस तरह से बढ़ा देना है यहाँ पे कर देना है। और फ्रेंड उसके बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये भी फोटो बड़ा है, तो इस फोटो पे भी क्लिक करना है, और इसमें भी कुछ इस तरह से ओवर एलिमिनेशन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। यहाँ पे आ जाना है कुछ इस तरह से लाइन वाइप वाले ऑप्शन में आ जाना है, और इसमें आपको 2 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना फ्रेंड। और फ्रेंड इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना फ्रेंड, इसमें इफेक्ट लगाने पे छोटा हो जाता है फोटो, तो इसको हम एडजस्ट कर लिए फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड हम सारे फोटो में कुछ इस तरह से बढ़ाए फ्रेंड, उस फोटो में हम ऐड कर लेते हैं ओवर एलिमिनेशन वाला ऑप्शन।
और फिर यहाँ लास्ट में बड़ा फ़ोटो बचेगा है एक, तो इसमें भी इसके बगल वाले में भी प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और इसमें इफेक्ट ऐड करना है कुछ इस तरह से। आपको कुछ इस तरह से लाइन वाइप वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसमें आपको 0.03 पे क्लिक करना है फ्रेंड, यहाँ पर सॉरी 3 नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको इसमें कुछ कलर भी हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ रेड पे क्लिक करके और यहाँ रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से भी ओके कर देना है और उसके बाद फ्रेंड ये एडजस्ट है फ्रेंड, और फ्रेंड ये थोड़ा बड़ा हो गया फ्रेंड, इसमें इफेक्ट लगाने फ्रेंड फोटो छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके और इसको कट कर देते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देते हैं और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा हो गया फ्रेंड, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरह से शुरू से आ जाना है और जाना है लेयर का ऑप्शन में और मीडिया का ऑप्शन में, और यहाँ आपको कुछ इस तरह से लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, सॉरी फ्रेंड आपको यहाँ पे टेम्पलेट वाले पे क्लिक करके और उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन कर देना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको फिर से जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में और इस लाइट वाले टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से और इसको भी फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है और फिर से फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से स्क्रीन कर देना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको जाना है लेयर के ऑप्शन में और मीडिया के ऑप्शन में और इस बॉर्डर PNG को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से और उसके बाद फ्रेंड इसको फुल स्क्रीन में कर देना है PNG में नहीं है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है फ्रेंड और उसके बाद फ्रेंड फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाना है और इसका ब्लैक कलर को रिमूव कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड यहाँ से ओके कर देना है। और फ्रेंड ये सब कर लेने के बाद में हमारा वीडियो रेडी हो गया है, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को थोड़ा सा हम प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हुआ है फ्रेंड और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर पहले सेव करके बताते हैं, तो यहाँ पर तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है और फ्रेंड ये वीडियो सेव होने लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से इफेक्ट वाला वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मैसेज के द्वारा तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।